अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तू तो कह रही थी कि थारी छोरी किसी काम में उलझ गई, पर मन्ने तो लागे हैं कि किसी गैर मर्द के बाहन में उलझ के आई है। व्यासा, पैसा मेरी छोरी पे शक ना करो, आपके घर की बहू बनने वाली है। बनी तो नहीं है ना, और जब तक मन्ने इस बुसर का भेद ना मालूम पड़े बनेगी भी ना। अरे जय छोरी अपना चुनर का मान ना संभाल सके, वो मारे घर का मान क्या संभालेगी। बोल छोरी, भाई तू मूंछनी पीछ नहीं गई ना, अठे तू शाला पानी सा मिलके चित करने लगी कि मारी चुनरी खरीदनी है तो मैं। वाह वाह मारी होने वाली बहुरानी वाह, चुनरी लुगाई का मान होवे है और तू बेच दी अपनी मां। नहीं दो पैसा के लिए? ऐसा नहीं है, आग लगे ऐसे पैसे को क्यों बेची चुंदी बता भाई। मैंने तारे लिए मारे लिए कि जेवर औरत रो मान हो गए। बापू सा को थारी ये भारियां बहुत पसंद थी, हमारे ब्याह पे अगर तू नंगे कान होती तो अच्छा ना लगता ना। देखा भैसा, मारी लड़ो घर की इज्जत बेचने नहीं, घर की इज्जत घर में वापस लाने गई थी। ये मारी बालियां मैंने रखी थी गिरवी चोरी के ब्याह के वास्ते, और चोरी अपनी चुनरी बेचकर माँ का गहना वापस लेके आई। सोचने वाली बात है भाई साहब, जो छोरी अपनी माँ के वास्ते अपनी चुनरी बेच सकती है तो अपने ससुराल के वास्ते क्या नहीं कर सकती। माँ बाप अपनी छोरी का ब्याह सर झुका कर करते, लेकिन मैं मारी छोरी का ब्याह सर उठा कर करूंगी। अरे गर्व होना चाहिए आपको कि मारी छोरी आपके घर ब्याह करा रही है। मिलती है आपसे आपके घर की बहू बनने वाली है। जा छोरी तैयार हो जा। हम्म, अभी भी समय है करना भाभी सा, ये सगाई रोक दीजिए। देखिए विश्वास जी कभी गलत कुंडली नहीं देखेंगे, अरे वैसे भी सगाई है। ये सगाई तो होकर रहेगी सुनैना जीजा, अगर इन दोनों की किस्मत में मिलना ही ना लिखा होता तो आज ये रिंग सेरेमनी हो नहीं रही होती। अभी सगाई होनी बाकी है भाभी सा, विधि के विधान को आप नहीं डाल सकती। अपने अबीर की खुशी के लिए हम विधि के विधान को भी बदल देंगे, और अगर इस रिश्ते से त्रिशाला की जिंदगी को खतरा होता है ना तो उसे मौत के मुंह से भी खींच कर ले आएगी करुणा तोमर। त्रिशाला बेटा क्या हो गया? मम्मी क्या हुआ बेटा? अरे बोलिए ना क्या हुआ बेटा? हमें स्टेज 4 कैंसर है मम्मी साहब। क्या? क्या? What rubbish, किसने कह दिया आपसे? हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी असिस्टेंट ने दी है। महाकुम एक बार आप चेक कीजिए अच्छे से प्लीज। बेटा ये आपकी रिपोर्ट्स है ही नहीं, देखिए ना ये किसी विधि का नाम लिखा है। ओके
क्या भाई साहब, आपने किस तरह के लोगों को अपॉइंट कर रखा है, इतने लापरवाह। हम गलती मानते हैं समदन साहब, लेकिन उससे तो हम बाद में निपट लेंगे। आप लोगों को इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? फिलहाल आप लोग सब तो खुश हो जाइए, कुछ भी नहीं हुआ है हमारी इस प्यारी सी बच्ची को। मौत तो किसी विधि बंसल के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। इस विधि बंसल का मरना तो तय है। त्रिशाला बिल्कुल ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। लेकिन यह विधि भंसल जो भी है, उसकी रक्षा करना। चक्कर भी आने लगा है। फोन कमजोरी बुखार तो चोको थी, अब ये खून ये कब से निकलने लगा? ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी नहीं आई और नहीं, भाई को पता नहीं चलना चाहिए, फालतू में घबराएगी। अरे लाडो, तू निकली नहीं? अरे लाडो बड़े चौके लागे है, ओ सुंदर लाडो, तारे को किसी की नजर ना लगे। लाडो वो होटल में गई ना तो बहुत चक्की रह गई। मैं भी तेरी शादी में साथ सजावट करती। जानो तेरे बापू अगर जिंदा होते ना तो तेरी ब्याह धूमधाम से करते। मुबारक हो, हमारे परिवार के दामाद सा बनने की पहली रस्म है ये। चल चलो बेटा। नाई, तुम्हारी पूरी दुनिया है। तू सज गई ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि पूरा घर सज गया। छोरी मुझे सजाना छोड़, आज थारी हल्दी है। जाने सो मैं आज बहुत खुश हूँ, चुंदरी बेच के मारी बालियां वापस ना लाती ना छोरी, तो थारी ब्याह में पनीर की सब्जी बनती। तू वो सब छोड़ना, मुझे तुझे कुछ सिखाना है, चल मारे साथ। लाडो चल ना। क्या छोरी, आप ये मोजड़ियां क्यों नहीं पहन रही है? नहीं पहनेंगे। पर क्यों, ये तो आपने खुद स्पेशल ऑर्डर देके अपनी चॉइस से बनवाई है। तो शाला हाँ बनवाई थी, क्योंकि हम अपनी नई जिंदगी में जब पांव रखना चाहते थे तो आपके साथ रखना चाहते थे, आपके नाम के साथ। लेकिन अब इन मोजरियों में उस दो कौड़ी की लड़की की याद भी जुड़ गई है। हमारे यहाँ ना परंपरा है, जो भी नई कुंवरानी आती है ना वो मोजड़ी पहनती है। अब आंखें ना खोलना जब तक मैं ना बोलूं। हाँ। हारी को कसम है मारी। हाँ। आराम से बैठ। अरे भगवान, अब देख ले थारा हवा में है। किधर? यहाँ वहाँ कहाँ देख रही है?
ये देख। ये क्या? ये छत तो बारिश में टूट गई थी ना, ठीक कैसे हो गई? मैंने कराया। दीपा पोती के लिए पैसा ना बचा तो सोचा कि हवा महल का पोस्टर लगवा दूं। अब जब मैं चली जाऊंगी ना तो गर्मी में अपने हवा महल के आनंद लीजो। छोड़ी आज दे मन। पहले ही बता ये मरम्मत कराने के पैसे कहाँ से आए छोरी? माई थारे से गुल्लक छुपा के रखा था, 6 महीने से पैसा बचा रही थी मैं। अम्बे छोड़ी, इतना सारा पैसा था थारे पास तो मरम्मत काय कराई? बारातियों के लिए पनीर की सब्जी बन जाती, सोचती नहीं है। बारातियों के आटे पानी की परवाह ना है मारे को, बस अगली बरसात में मारी माई की छत में से पानी नहीं बरसना चाहिए बस। ये ले, छत में से बरसात होने से रोक रही हूँ और यहाँ मारी माई अपनी आंखों में से पानी बरसा रही है। अब सारे आंसू यहीं बहा देगी तो मेरी विदाई पे क्या आंसू बहेगी? तो चल मारे साथ, वरना फिर कहेगी कि सारे मेहमान मेरी हल्दी के लिए इंतजार कर रहे। चल रुक छोड़ी, मारी लाड़ो। चल चल, अरे भगवान। ये ठीक नहीं हो रहा है, अनहोनी होने जा रही है। सुने ना, बहुत बड़ी अनहोनी। क्या कहा था हमने आपसे कुंवर साहब, अपने बेटे की खुशी के लिए हम अनहोनी को भी होनी में बदल सकते हैं। आपकी कुंडलियां यही कह रही थी ना कि अभीर और त्रिशाला एक कभी नहीं हो सकते। देखिए आप ही की आंखों के सामने दोनों एक होने जा रहे हैं। लगन हो जाए, यही सपना था माई का। मारी विदाई के बाद अकेली रह जावेगी, फिर भी कितनी खुश है माई। पर माई मैं अपनी विदाई के बाद ना ऐसा इंतजाम करके जाऊंगी कि मारे पीछे थारे को कभी कोई परेशानी ना होवे। अभी देखते हैं। हे भगवान, पता नहीं मेरी बच्ची को किसकी नजर लग गई है। पहले वो तूफान, फिर वो गलत रिपोर्ट्स, और अब ये देखिए आज के इतने अच्छे मौके पर इतनी बड़ी अनहोनी। आज तक कभी मैंने इसे कांटा तक नहीं चुभने दिया और आज इसे बिच्छू काट चुका है। वैसे जिसकी वजह से भी ये सब कुछ हुआ है उसे हम छोड़ेंगे तो नहीं। बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि नई मोजड़ी में बिच्छू आया कहां से। चिंता करने की कोई बात नहीं है त्रिशाला, आप ठीक है, हम दवाई दे देते हैं। अभी तो बिच्छू काटेगा और त्रिशाला को देखकर तुम्हें थोड़ा दर्द होगा अबीर, पर तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारी कुंडली में नाग बनकर बैठा हूं। ये जरूर उस मोजड़ी वाली लड़की ने किया है। हमने उसको अबीर पर डोरी डालते हुए देख लिया था
उसी का बदला ले रही है वो। शाला ऐसी कोई बात नहीं, हमें नहीं लगता कि वो इतना बड़ा कदम। अभी प्लीज, आपको कहा था ना हमने कि आपको इंसान की पहचान ही नहीं है। आप खुद ही सोचिए, और कौन हमें इतनी तकलीफ देना चाहेगा। आप राज परिवार से हैं, वो दो टके की लड़की, देखिए उसने क्या कुछ कर दिया है मेरी बच्ची के साथ। आप ऐसे चुपचाप देखते रहेंगे क्या? अभी अगर हम आपकी जगह होते ना तो उस लड़की का ऐसा हाल करते ना कि वो सपने में भी सोच के कांपती कि उसने हमारे साथ ऐसा किया। क्या आप भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम आपसे करते हैं? इंशाल्लाह हमें अपना प्यार साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उस लड़की ने ये किया ना तो वो भुगते थे। देख छोरी, आज जो कुछ भी हुआ समझ ले मरने सब भुला दियो। मारे घर की उड़नी चढ़ गई है थारे सर पे, अब ये थारे सर से उतरनी नहीं चाहिए, समझी? और हाँ, पिसा के लिए इसे बेच ना दीजो। अब से थारा घर से बाहर घूमना फिरना बंद। मारे घर की बहू बेटी सर उघाड़े ऐसे बाजार में ना फिरे हैं। और हाँ, ब्याह के बाद एक औरत की चुनरी, बस उसका बीन ही उतार सके हैं। हमें लगा था तुम छोटी सोच की हो, लेकिन तुमने तो सारी हदें पार कर दी। क्यों किया तुमने त्रिशाला के साथ ऐसा? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्यों किया तुमने ये सब? ये सब क्या हो रहा है छोरी? और ये छोरा कौन है? और ये तेरे पास आया क्यों? किस अधिकार से इसने तुझे छुआ? जी वो पन्ना सा है, बड़े होटल में आज सगाई हो रही है ना? वो सगाई होते होते रुक गई, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हम त्रिशाला की उंगली में अंगूठी पहनाने ही वाले थे, लेकिन पहनाते पहनाते रुक गए, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने ऐसा क्या किया? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। तुम ही आई थी ना उसके पैरों में जूतियां पहनाने के लिए, लेकिन तुमने बदतमीजी की, उसने पहनने के लिए मना कर दिया और तुमने उसी की जूतियों में बिच्छू डाल दिया। और वो ही बिच्छू ने उसे डंग दिया। क्यों किया तुमने ये सब? पन्ना सा, माँ जगदम्बा की कसम, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। माँ जगदम्बा की झूठी कसम खा रहे थे, तुम्हारा झूठ सच नहीं हो जाएगा। पन्ना साहब, आपको गलत फहमी हो रही है। कबूल करो कि ये सब तुमने किया है। आपको गलत फहमी हो रही है पन्ना साहब। अबीर बन्ना, ये लोग बहुत ही ढीठ होते हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। ऑफिसर, ये वही लड़की है जिसने हमारी बच्ची की जान लेने की कोशिश की है। अरेस्ट हर नाउ। आप लोगों की कोई गलती हो गई है, आज हमारी लाड़ू की हल्दी है। देखिए इसे प्लीज इसी वक्त यहाँ से ले जाइए, और ये कितने भी नाटक क्यों ना करे इसे छोड़िएगा मत। लाड़ू दरोगा साहब, लाड़ू दरोगा साहब, अब ये गलत कर रहे हैं आप। मैं छोड़िए, मैं तारी हाथ जोड़ती हूँ, हमारे लाड़ू ने कुछ नहीं किया। ये इन लोगों को रोकिए ना, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। लाड़ू लाड़ू, इसकी आज हल्दी है। मैंने ये माना कि ये लड़की माफी के लायक नहीं है। ये पुलिस, जेल और ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अबीर बन्ना, तुम बहुत ज्यादा भोले हो। इन लोगों की चमड़ी
बहुत मोटी होती है और इन्हें ऐसे ही कंट्रोल किया जा सकता है। आप सीधा त्रिशाला के पास जाइए, उसे आपकी बहुत जरूरत है। मारी बात माई से करा दीजिए, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। बस एक बार, दरोगा साहब, दरोगा साहब। दादी, माई का क्या हाल हो गया होगा, रो रो के। जगदम्बा, तो उसका ख्याल रखना। Oh, time!